ये सेकेंड और हायर ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट हमने देखी थी, अब उसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से लिखेंगे। तीन तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन के तीन तरह से डिफरेंट उसके रूट्स आ सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग कैसे हम, तो एक एक तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से उनका सोल्यूशन निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे। ये पहला हमारा ये प्रॉब्लम है, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन कैसी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सोल्व करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये हमारा थोड़ा सा मेथड रहेगा, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स को d लिख देंगे, d टू वाई अपॉन डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को d टू लिख देंगे इस तरह से। तो ये इक्वेशन कैन बी रिटन एज d टू माइनस थ्री डी माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारी जो दी हुई इक्वेशन है हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख दी। इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमारी, एफ डी इक्वल टू जीरो, एफ डी इक्वल टू जीरो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो ये हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, तो ये डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इसको हमने सोल्व किया तो इसका सोल्यूशन, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे डी माइनस फोर और डी प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डी इक्वल टू फोर और d इक्वल टू माइनस वन। तो ये इस हमारी इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट आए और दोनों रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो केस फर्स्ट में जो हमारा केस फर्स्ट है उसमें हमारे पास क्या है, अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ प्रीवियसली देखा था इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन गिवन बाय वाई इक्वल टू सी वन ई फोर एक्स, ये पहला रूट फोर है तो सी वन ई की पावर फोर एक्स प्लस सी टू ई माइनस एक्स, तो ये एक फोर फोर है रूट इसका, एक माइनस वन है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस में ये इस तरह से ये आया। सेकंड केस, हम दूसरे केस में, दूसरा केस हमारा उसमें देखते हैं रिपीटेड वाले में किस तरह से इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल इसका क्या है, ये हमारे पास दी हुई है, सोल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स डी वाई डी एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू जीरो। तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम इसको इक्वेट कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट को जीरो से जीरो बराबर जीरो लेके लिखते हैं, तो वही प्रोसीजर हमारा, तो हम इक्वेशन को दी हुई हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारे डी के नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, डी टू माइनस सिक्स डी प्लस नाइन वाई इक्वल टू जीरो, और ये हमने पहले ही बताया है, तो डी अपॉन डी एक्स को लिखेंगे डी डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे डी स्क्वायर, ये हमारा ये रिपीटली इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमने लिख दी। इसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले बताया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमारी, एफ डी इक्वल टू जीरो, एफ डी इक्वल टू जीरो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। इसको हमने सोल्व किया, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो ये इसका फैक्टर्स डी माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो और डी इक्वल टू इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, थ्री एंड थ्री, ये इसकी वैल्यू थ्री एंड थ्री दोनों वैल्यू है, रियल आ रही है और रिपीट हो रही है, रिपीटेड वैल्यू है ये। तो अब ये हमारा सेकेंड केस में आ गया, ये सेकेंड केस जिसमें वैल्यूज रियल हो और रिपीटेड हो, और उस केस में हम इसका सॉल्यूशन कैसे, जैसे हमने बताया था सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे इसका, वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स और ई रेज टू दी पावर थ्री एक्स, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सी वन प्लस सी टू,
सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो हो जाएंगे, तो सी वन प्लस सी टू एक्स और ई की पावर 3x। तो ये रिपीटेड रूट में इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। थर्ड केस में हम देखते हैं इसमें इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स आए, ये एक इसका एक अनदर एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ये सोल्व करनी है, सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। हमारे पास दी हुई इक्वेशन है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, इसको हमको सोल्व करना है। इसको ये इक्वेशन को उस हमारे डी फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये दी हुई इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, डी फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये डी की फॉर्मेट में लिख दी हमने। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, डी फोर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब ये इसका हमको इसके फैक्टर्स करने हैं, डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा ये फैक्टर्स के लिए इसमें ये प्लस और माइनस, ये फोर डी स्क्वायर माइनस एड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दो फैक्टर ये आ जाएंगे माइनस टू डी स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद में ये हमारा फैक्टराइजेशन का ये हम जानते हैं कि ये फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये इसके ये दो फैक्टर करने पे ये दो इसके बन जाएंगे, और इनको सोल्व करेंगे ये अपने माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए वाले मेथड से इसको सोल्व करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, ये दो इक्वेशन है, तो एक के सॉल्यूशन क्या आएंगे, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस आईटा। ये दो सॉल्यूशन तो ये आ गए। सेकेंड वाली इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, डी इक्वल टू वन प्लस माइनस आईटा। तो इस तरह से ये इसके चारों सॉल्यूशन आ गए।